एजे स्टाइल्स ने WWE में एक ऐसा काम कर दिया है जो उन्होंने अपने पूरे TNA के करियर में नहीं किया था। तो भाइयों कैसे हैं आप लोग, आज मेरे पास WWE से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज हम WWE फैंस और CM Punk के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर ने WWE के साथ एक नई डील साइन कर ली है और लगता है कि उन्होंने WWE के साथ मल्टी ईयर की डील साइन की है, क्योंकि WWE का पैटर्न कुछ ऐसा ही है कि वो हर सुपरस्टार के साथ मल्टी ईयर की डील साइन करवाते हैं। यह डील WWE और ड्रू मैकइंटायर के लिए काफी बड़ी है, क्योंकि द रॉक ने अपने इंस्टा पे ड्रू के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की वीडियो अपलोड की है। आज की दूसरी अपडेट यह है कि जे उसो ने एक पॉडकास्ट में बताया कि जब रोमन रिंग्स के ट्राइबल चीफ गिमिक की शुरुआत हुई थी, तब उनका पहला चैलेंजर मैं नहीं होने वाला था। ओरिजिनली उनका पहला चैलेंजर द फीन ब्रे वाइट होने वाले थे, पर किन्हीं कारणों के वजह से ऐसा हो न सका। आज की लास्ट एंड फाइनल अपडेट यह है कि एजे स्टाइल्स ने अपने TNA के 11 साल के करियर में जितने मैचेस में कम्पीट किया है, उससे ज्यादा उन्होंने अपने WWE के 8 साल के करियर में कम्पीट कर लिया है। एजे स्टाइल्स ने टिल डेट TNA के इंटायर मैचेस से 77 ज्यादा मैचेस WWE में लड़े हैं। तो आपको ये स्टैट्स कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।